अब देखिए हमको क्या देखना है भैया, हमको इफेक्ट देखना है। किसका? स्लिप का इफेक्ट देखना है रोटर पैरामीटर पर। अब रोटर के पैरामीटर कौन से होते हैं? पहला पैरामीटर क्या है? रोटर की फ्रीक्वेंसी। पहला पैरामीटर क्या है बच्चे? रोटर फ्रीक्वेंसी एफ आर। दूसरा पैरामीटर क्या है? रोटर इंपीडेंस जेड आर। तीसरा पैरामीटर क्या है सर? रोटर करेंट आई आर। चौथा पैरामीटर है रोटर का पावर फैक्टर, तो कॉस फाई आर। क्लियर है? ये चार पैरामीटर है बहुत इंपॉर्टेंट है रोटर के, ठीक है ना। रोटर मतलब, अब बोलोगे सर वहां तो सर हमने आर्मेचर पढ़ा था, यहाँ रोटर है, दोनों की बात सही सेम है बेटा। आर्मेचर भी रोटेटिंग पार्ट होता है, रोटर भी रोटेटिंग पार्ट है। डीसी की बात करते हैं तो हम आर्मेचर बोलते हैं, एसी है तो रोटर बोलते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है भैया, क्लियर है। अब रोटर फ्रिक्वेंसी को हम देखें कि इस पर कैसे इफेक्ट पड़ रहा है सर स्लिप का, वो देखो कैसे बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर एनएस सिक्योरस फ्रिक्वेंसी हमको पता है क्या होती है, 120 एफ अपॉन पी होती है फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला। तो एनएस इंटू पी अपॉन हो जाएगा 120। ये क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया भैया? अब देखिए यहाँ पर कि हमारी जो फ्रिक्वेंसी है, हम क्या जानते हैं कि इन वी नो दैट द फ्रिक्वेंसी इन द रोटर वाइंडिंग इज वेरिएबल होती है, फ्रिक्वेंसी वेरिएबल होती है एंड डिपेंड अपॉन द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड एंड द रोटर स्पीड। मतलब किस पर डिपेंड करती है भैया? मोटर को चलने के लिए आपको मैंने बताया था, क्या बताया था कि हमारी जो स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड के इक्वल नहीं होनी चाहिए, इट शुड हैव अ सम रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव का मतलब है सर एनएस माइनस एनआर होना जरूरी है इंडक्शन मोटर के लिए। यदि एनएस इक्वल टू एनआर हो गया मतलब वो सिंक्रोनस मोटर हो जाएगी। तो ये जो रिलेटिव स्पीड है जब रोटर चलेगा मतलब एफ आर फ्रिक्वेंसी आएगी तो एनएस की जगह हो जाएगा एनएस माइनस एनआर और ये पी हो गया भैया, देख लेना ध्यान से, मेरा कुछ गलत लिखा हो तो बता देना भाई, ये चीज हो गई। अब करना क्या है? कुछ नहीं करना भैया, इसमें इसका डिवाइड कर दीजिए। तो हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा सर? एफ आर अपॉन एफ एस। एफ एस मतलब मैंने लिख दिया है सिंपल, एफ ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एफ आर अपॉन एफ, एफ मतलब आपका पैरामीटर है भैया, आर मतलब रोटर पैरामीटर है, ये फ्रिक्वेंसी है। अब ये हो जाएगा पी एन एस माइनस एन आर, पी एन एस एन आर अपॉन 120 अपॉन एन एस इंटू पी अपॉन 120। ये मैंने पुट कर दिया। अब क्या आया सर? एफ आर अपॉन एफ इक्वल टू क्या आएगा? डिवाइड कर दो भैया, इसको डिवाइड करोगे पी से पी कट जाएगा, 120 से 120 कट जाएगा, ये हो जाएगा एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। अब बेटा ये क्या था अभी बताया था मैंने, ये क्या है? ये बिल्कुल सही जवाब, ये है भैया स्लिप। क्या है ये? स्लिप है। तो एफ आर इक्वल टू हो जाएगा एस इंटू एफ, ये फॉर्मूला हो गया। ये देख लीजिए आपने क्या देखा कि रोटर की फ्रिक्वेंसी में स्लिप आ गया भैया, स्लिप आ गया। द फ्रिक्वेंसी ऑफ द रोटर क्या हुआ? फ्रिक्वेंसी ऑफ रोटर इंड्यूस जीएमएफ इन रनिंग कंडीशन क्या होगी भैया? यही है जो आपको देखा कि सप्लाई फ्रिक्वेंसी से स्लिप का मल्टीप्लाई हो गया जब हम रोटर पैरामीटर निकाल रहे हैं। तो देखिए ये इफेक्ट होता है, ये इफेक्ट आता है जब हम रोटर पैरामीटर निकालते हैं, कितने भी जो भी फ्रिक्वेंसी टर्म है, मतलब मेन फ्रिक्वेंसी टर्म कौन सा होगा सर? इंपीडेंस में फ्रिक्वेंसी टर्म एक्स होता है, रिएक्टेंस होता है, जैसे एक्सएल टू पाई एफ एल, यही होता है ना। रोटर का पैरामीटर क्या होगा? एक्सएल आर टू पाई एफ आर आर। अब यहां पर आर की जगह क्या हो जाएगा? टू पाई एस एफ आर एफ इंटू एल, ठीक है। तो आपका जो रोटर पैरामीटर है यहां पर वो क्या होगा? एस इंटू एक्स एल, ये होगा। मतलब जहां भी फ्रिक्वेंसी आएगा वहां पर स्लिप आ जाएगा, बस हमको ये समझना है। जहां भी फ्रिक्वेंसी आएगा वहां पर स्लिप आ जाएगा, जहां फ्रिक्वेंसी आएगा वहां स्लिप आ जाएगा। बेटा मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल अच्छी बात है। जहां फ्रिक्वेंसी आएगा वहां स्लिप आएगा, समझ लो,
ठीक है। जैसे अब आपसे कोई पूछता है भैया इम्पीडेंस क्या होगा, तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर, जेड टू इक्वल टू, रोटर बोल रहा हूँ जेड टू लगा दिया, क्या होगा आर टू स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर, यही होगा। अब यही होगा सर, ये तो होगा, लेकिन आज अभी हमें स्लिप का एवी इफेक्ट देखना है, तो कहाँ एक्स आ जाएगा सर, ये देखिए आर स्क्वायर टू स्क्वायर और एक्स टू की जगह जाएगा एक्स एक्स टू का होल स्क्वायर। यदि मैं रोटर के ऊपर देखूँ एक्स टू में, तो एस एक्स टू आ जाएगा। मैंने एस यहाँ नहीं लिखा बेटा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ फ्रिक्वेंसी पैरामीटर नहीं है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया, ये समझ में आ गया है तो हम टॉर्क इक्वेशन करेंगे, तब आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए।